ये मेरे भाई है जितने भी, इनको अगर हाथ लग गया ना तो अच्छे अच्छे की फाड़ डालूंगा मैं। दुकान खोल के बैठे अगर उन लोग ने ये मजहब का धंधा नहीं किया तो फिर वो उनका दुनियादारी दुकान कैसे चलेगा? वो चलते रहते हैं, मैं उसके बारे में नहीं सोचता है। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ईद उल फित्र का आज 2023 हुआ का दिन है और यहां पर एक बड़ा मैसेज जो है आज हम आपको देने जा रहे हैं। आप देखिए कि हमारे पीछे हिंदुस्तानी भाऊ है जिनका नाम ही हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तान से किस तरीके का प्रेम जो है करते हैं और ख़ास तौर पर सिवई के लिए मुमराह और नदीम भाई के द्वारा क्या कहेंगे देशवासी? पहला तो नदीम भाई और ये सब मेरा फैमिली, इधर मेरी बहन है, मेरी भांजी है, बच्चे है, भांजा है, तो यहाँ पे तो आते रहता है मैं। और ख़ास करके आज मैं सरप्राइज़ दिया मेरे बहन भाई और मेरी भांजी भांजे को कि क्योंकि मुझे आने को मिलता नहीं और ऐसा आज मौका है तो मैं बोला आज जाके सरप्राइज़ देता हूँ, तो इसके लिए आया। ऐसा आज बहुत बड़ा दिन है आपका, तो हिंदुस्तान में आज सबको ईद मुबारक। अच्छे दिन पे है तो ऐसे ही त्यौहार मनते रहना चाहिए और यह धर्म का जो खेल दुकान खोल के रखा है लोगों ने वो बंद करना चाहिए। एक नंबर, एक नंबर। अच्छा, ये आज का दिन जो पूरा ईद का जाएगा, किस तरीके की सब जगह अलग अलग सिवैया है और खास तौर पर कितना अच्छा लगता है? मैंने तो डब्बा भर दिया पहले ही बोला मेरा हफ्ता दे देने का, तो एक डब्बा मेरे बहन को बोल दे कि मेरे को डब्बा दे दे भर के, एक नंबर है। हाँ, तो ऐसा इधर ही नहीं, मेरे घर पे भी अभी कल नए नए करके 6-7 डब्बे आ जाएंगे क्योंकि बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं मुस्लिम जो मेरे गणपति में आते हैं, मेरे हर त्यौहार में आते हैं, मैं उनके हर त्यौहार में जाता हूँ। तो यहाँ पे कभी मज़हब नहीं देखते, इंसानियत देखा जाता है। सही है, सही। मगर कुछ लोग ना वो दुकान खोल के बैठे, अगर उन लोग ने ये मज़हब का धंधा नहीं किया तो फिर वो उनका दुनियादारी दुकान कैसे चलेगा? वो तो चलते रहता है, मैं उसके बारे में नहीं सोचता है। ऐसे लोगों को अपनी स्टाइल में कुछ कहना? ऐसे लोगों को ना कितना भी बोलेगा अपना मुंह खराब होने जैसा है, समझा? ये कैसे घुंघरू भाई होते हैं, एक सोने का नाटक करते हैं, समझा? और जो सोने का नाटक करता है ना उसको कितना भी आजू बाजू में गोली मारो लात मारो ये उठेगा नहीं, क्योंकि वो नाटक ही करता है, उसको हर चीज़ मालूम है, समझा? मगर वो नाटक ही करेगा। तो ऐसे लोगों को कुछ बोल के फायदा नहीं, एक दूसरे पे विश्वास होना ज़रूरी है, विश्वास है तो फिर सब सही है। ऐसे नदीम भाई क्या कहेंगे खास तौर पर इतने अच्छा भाईचारे का मैसेज दिया गया? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि मुझे आज लगभग 20 साल हो गया, 20 साल से मुझे ईद में किसी ने तोहफा नहीं दिया। मेरा भाई आकर के, मेरा बड़ा भाई आकर के मुझे ईद का सबसे अहम तोहफा दे दिया। कोमिल भाई, हम लोग सब साथ में है और ईद का जो त्यौहार है ये आज सबूत है जीता जागता कि हिंदुस्तान मेरे घर पे खड़ा है। आज हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान का भाई मेरे साथ खड़ा है। तो प्लीज़ मेरे हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। भाई ने बोला धर्म का राजनीति बंद करो, तो एक युवाओं को और नेताओं को मैं एक मैसेज दूंगा कि हम हिंदू मुस्लिम दिल हमारा गिरजाघर है, प्लीज़ इसे मत तोड़ो, हिंदुस्तान सेव करो, भारत को बचाओ, मत करो दंगा, मत करो नफरत, हम सब एक है। आज अगर भाऊ को क्रोध भी लग जाएगी ना तो मेरा दिल तड़प जाएगा, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना ये वाकई में दिली है, नहीं तो आज हिंदुस्तानी भाऊ मुमरा में नदीम के घर पे नहीं होता था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे भाई है जितने भी, इनको अगर हाथ लग गया ना तो अच्छे अच्छे की फाड़ डालूंगा मैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ईद मुबारक, ईद मुबारक।